हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जीरा राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बासमती राइस, थोड़ी सी हरी धनिया, 1 टेबल स्पून देसी घी, सॉल्ट टू टेस्ट, आधा नींबू का रस, 2 तेज पत्ता, 1 टेबल स्पून जीरा, यहाँ पर आधा इंच दालचीनी टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग लिया है मैंने, 2 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है और 1.5 कप पानी। जितना हम चावल लेंगे उसका 1.5 गुना हम पानी यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करके मैंने एक कुकर रख दिया है। कुकर में हम डालेंगे घी। आज हम जीरा राइस कुकर में बनाने वाले हैं। घी को हम गर्म हो जाने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे ये 2 तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 लौंग। अब इसी वक्त हम डाल देंगे इसमें ये जीरा, थोड़ा सा जीरा को भून लेंगे हम, और इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च। बस कुछ सेकंड के लिए हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल, इसे मैंने भिगोया नहीं था, बस धो के रखा हुआ था। मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें हम जिस कप से मैंने राइस लिया था उसी कप से हम 1.5 कप पानी डालेंगे। मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें हम नमक डालेंगे, डाल देंगे नींबू का रस को, मिला देंगे अच्छे से। अब हम लिड लगाकर हाई फ्लेम पर इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ 1 सीटी हो चुकी है, मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। हम कुकर को ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद खोलेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, चलिए देख लेते हैं जीरा राइस तैयार हुआ कि नहीं। तो ये देखिए, हमारे जीरा राइस बनकर तैयार हो चुके हैं और ये अच्छे खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं यहाँ इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर दूंगी। मिला देंगे इसे।